हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन आपका नीट 2019 में उड़ीसा में आया हुआ है, राइट। क्वेश्चन है कि ए मैन ट्रेवल डिस्टेंस एक्स विथ वेलोसिटी वी वन एंड अनदर डिस्टेंस एक्स विथ वेलोसिटी वी टू। डैट मीन्स दोनों बार सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल किया लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी है वी वन एंड वी टू, तो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का जो कन्वेंशनल मेथड है वो ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस एक्स 2x, टोटल टाइम t1 t2 मान लेंगे, वेयर t1 क्या हो जाएगा एक्स वाई वी वन और t2 एक्स वाई वी टू। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, पुट कर देंगे ये आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में बेटा, इसको कैसे अल्टरनेट वे में करेंगे, डैट इज कॉल्ड ट्रिक्स। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस आपका था 2x, जिसमें से x डिस्टेंस वो वेलोसिटी v1 से चला है, x डिस्टेंस वेलोसिटी v2 से चला है। तो आप निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस का कितना पार्ट वो v1 से चला है और कितना पार्ट वो v2 से। तो यहाँ पे चूंकि दोनों डिस्टेंस सेम कवर किया था, तो इसका मतलब हाफ पार्ट उसने टोटल डिस्टेंस का हाफ पार्ट v1 से चला है, टोटल डिस्टेंस का हाफ पार्ट वो v2 से चला है। तो देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे आंसर वी एवरेज इक्वल टू जो v1 v2 होगा, ऊपर में आप उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, नीचे में आप उसको एडिशन में लिख दो, राइट। अब यहाँ पे कुछ कॉफिशेंट आएंगे, वो कैसे, तो ध्यान से देखो 1/2 पार्ट है, राइट। तो 1/2 में नीचे इसका भी 1/2 पार्ट है, इसका भी 1/2, तो ये तो कॉमन है, राइट। तो ऊपर वाला आपको लेना है, ये 1/1 है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, 1+1 यहाँ पे ऐड कर देना, और इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × v1 ही हो गया, 1 × v2 v2 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × v1 v2 / v1 + v2, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, v = 2 × v1 v2 / v1 + v2। तो वी कैन रीअरेंज, क्या हम इसको इधर ले आ सकते हैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा 2 × v = 1 / v1 + 1 / v2, सो आवर ऑप्शन विल बी बी। सिमिलरली इस टाइप का क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आया है कि टोटल डिस्टेंस का 3/5 पार्ट v1 से चल रहा है एंड 2/5 पार्ट v2 से चल रहा है, तो एवरेज क्या होगा। तो अगेन देखो, ध्यान से कैसे लिखता हूँ, विदाउट राइटिंग दीज कन्वेंशनल मेथड, आपको क्या करना है, वी एवरेज इक्वल टू, अभी बोला v1 v2 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में, नीचे में आप क्या करेंगे v1 + v2, राइट। अगेन देखो, नीचे का नंबर सेम है 5/5, तो ऊपर के नंबर को आपको लेना, राइट, ये ध्यान रहे ऑलवेज। तो 3 पार्ट है और 2 पार्ट है, तो ऊपर में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 ये आ जाएगा कोफिशेंट, और 3 v1 का, लेकिन आपको मल्टीप्लाई किस में करना है, v2 में, तो v2 में यहाँ आ जाएगा, और 2 v2 का है लेकिन मल्टीप्लाई किस में करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है v1 में, तो ये, तो डायरेक्ट आंसर आ गया देखो 5 v1 v2 / 2 v1 + 3 v2, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, आप डायरेक्ट देख करके ऑप्शन टिक करोगे। तो ये है रफ़ी सर का अल्टरनेट मेथड, ये है ट्रिक, अगर ऐसे आप करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है वो एक बार और समझ लेना, कि आपको टोटल डिस्टेंस का कितना पार्ट वो v1 वेलोसिटी से चला है और कितना पार्ट वो v2 से। तो उस पार्ट का नीचे वाला नंबर आपको नहीं लेना है, ऊपर वाला नंबर को ऊपर में मल्टीप्लीकेशन करके v1 v2 में ऐड कर देना, नीचे में कोफिशेंट जो बनाएंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाएंगे। थैंक यू।